नमस्कार। कर्नाटक में बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और चौथी लिस्ट में येदियुरप्पा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की बेटी का नाम नहीं है। अब संकट आ गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा की बेटी विजेंद्र को टिकट नहीं दिया गया है और टिकट नहीं मिलने से यजवेंद्र के समर्थक जो हैं वो नाराज हो गए हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जबकि येदियुरप्पा का कहना है कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का मौका दिया जाना चाहिए। यानी कि जो परिवारवाद जो राजनीति है, परिवारवाद, हालांकि हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास रहा है कि अगर बाप मंत्री है तो बेटे को भी विधायक और सांसद तो होना चाहिए फिलहाल, और बाप मुख्यमंत्री है तो बेटे को कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि बहुत विडंबना है देश की कि सिर्फ राजनीति परंपरागत जो चली आ रही है, परिवारवाद पे चली आ रही है। लोग परिवार अपने रिश्तेदारों को वोट दिलवाते हैं क्योंकि मलाई सबको खानी है, जेब में पैसे डालने हैं, और क्या करना है। यही तो है राजनीति का सच, यही है। इतनी आपाधापी राजनीति में जाने की क्यों पड़ती है, टिकट लेने की क्यों पड़ती है? रुआब है, लाल बत्ती है, नीली बत्ती है, आराम से घूमना है, एसी में बैठकर लोगों में बात करनी है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, लोगों से माल्यार्पण करवाना है, जनता से झूठे वादे करने हैं, और बेचारी जनता सिर्फ 5 साल के लिए सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है कि मंत्री जी कभी तो आएंगे, विधायक जी कभी तो आएंगे, जो इस गली का उद्घाटन करेंगे, जो हमारे गांव का कल्याण करेंगे। लेकिन अफसोस कि ना तो विधायक दिखते हैं और ना मंत्री साहब दिखते हैं, क्योंकि मंत्री साहब तो टेंडर्स और जो कमीशन है उसके चक्कर में एसी रूम में बैठकर चाय कॉफ़ी पीते हैं। हालांकि कर्नाटक सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति की बात है। येदियुरप्पा ही नहीं, क्योंकि येदियुरप्पा हो सकता है कि अपने बेटे के मुंह में आकर के बीजेपी से बगावत कर दे, क्योंकि उन्होंने भले ही बोल दिया हो कि अन्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। हालांकि उनके मन में, उनके बेटे के मन में क्या है कि बीजेपी ने आखिर बेटे को टिकट क्यों नहीं दिया, क्या परिवारवाद? हालांकि बीजेपी अगर इस चीज़ पर अड़ी हो कि नहीं परिवारवाद नहीं चलेगा बीजेपी में, लेकिन परिवारवाद तो चल रहा है। आप उठा के देखिए बीजेपी का इतिहास, यानी कि इस सरकार में कि कितना परिवारवाद चल रहा है। अच्छा, एक रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं कि आखिर येदियुरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया, मसला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिलने से विजेंद्र के समर्थक नाराज हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जबकि येदियुरप्पा का कहना है कि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। मैसूर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा ने अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका बेटा इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, ये मेरा निजी फैसला है। इस फैसले के लिए मुझ पर शीर्ष स्तर या आरएसएस की तरफ से कोई दबाव नहीं डाला गया। येदियुरप्पा की ओर से विजेंद्र के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। विजेंद्र के समर्थक चाहते हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए। हालांकि बादामी और वरुणा विधानसभा सीट से उम्मीदवारों की अभी घोषणा तक नहीं हो पाई। मंगलवार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और बीजेपी को इन दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। चौथी लिस्ट में जनार्दन रेड्डी के एक और रिश्तेदार को टिकट दिया गया है। इससे पहले उनके दो भाइयों को भी टिकट दिया जा चुका है। रेड्डी के रिश्तेदार लालेश रेड्डी को बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। बेटे के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान करते हुए येदियुरप्पा ने आगे कहा, मेरा बेटा टिकट के बगैर एक आम कार्यकर्ता की तरह मैसूर जिले के छामराज नगर में काम करता रहेगा।
उन्होंने आगे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से टिकट नहीं दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन को तुरंत रोकने और पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने की कोशिश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मैं वरुणा के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। विजेंद्र को टिकट नहीं दिए जाने पर मैसूर में उनके समर्थक जमकर हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट सोमवार को जारी कर दी गई। आज की जारी लिस्ट के आधार पर पार्टी अब तक 224 सीट वाली विधानसभा में 220 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और माना जा रहा था कि वरुणा सीट से येदुरप्पा के बेटे विजेंद्र को टिकट दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वरुणा सीट से राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे यतेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में मतदान 12 मई को होंगे जबकि परिणाम 15 मई को आएंगे। येदुरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिए जाने और कांग्रेस के सिद्धरमैया के बेटे को टिकट मिलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में वंशवाद का नमूना पेश किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वयं 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पुत्र को भी सुरक्षित सीट से टिकट दिलाया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी नेता येदुरप्पा ने अपने बेटे को टिकट दिलाने की बजाय पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को मौका देना उचित समझा। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक का जो त्रिशंकु आकार बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी को फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर बीजेपी जेडीएस को लालच देती है मुख्यमंत्री पद के लिए, या फिर अगर बीजेपी या त्रिशंकु अगर विधानसभा बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगर जिस पार्टी में बात बन जाती है वही पार्टी आगे चल के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है। यानी कि अगर कर्नाटक बचाना है, अगर त्रिशंकु विधानसभा का आसार हुए तो हो सकता है कि बीजेपी बाजी मार ले जाए या फिर ज़्यादा लालच देकर कांग्रेस बाजी मार ले जाए। यानी कि येदुरप्पा ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैसूर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार येदुरप्पा ने कहा है कि मैं अपने बेटे को टिकट नहीं दिए जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनका बेटा इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है, ये मेरा निजी फैसला है। इस फैसले के लिए मुझ पर शीर्ष स्तर या आरएसएस की तरफ से कोई दबाव नहीं डाला गया है। हालांकि चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को फैसला करे। यानी कि पूरी तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि येदुरप्पा के मन में कहीं ना कहीं ये ठेस तो नहीं है कि मेरा बेटा अगर चुनाव नहीं लड़ा है, टिकट नहीं दिया गया है, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर या कार्यकर्ताओं के अंदर कोई भगदड़ हो सकती है, या फिर येदुरप्पा ही कर बीजेपी से तो अमित शाह से रूठ तो नहीं जाएंगे। हालांकि इसकी राजनीतिक अगर एंगल से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि क्योंकि इतिहास रहा है लोगों का, राजनीति में यही होता है कि अगर आपने मेरे बेटे को नहीं दिया। हालांकि अगर बीजेपी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री तो येदुरप्पा ही बनेंगे, तो मलाई तो वैसे भी मिलनी है। खैर, और येदुरप्पा की ओर से विजेंद्र के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया और हंगामा करते हुए विजेंद्र के समर्थक चाहते थे कि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए। और जो हालांकि बादामी जो और वरुणा विधानसभा सीट है, उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई है। मंगलवार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और बीजेपी की इन दोनों सीटों में अपने उम्मीदवारों को नामों का ऐलान कर सकती है। यानी कि जो उनके बेटे हैं उनको नहीं दी गई है टिकट नहीं दिया गया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी। यानी कि परिणाम जो है 12 मई को वोटिंग होनी है और 15 मई को परिणाम आ जाएंगे। हालांकि 15 मई को क्या होगा बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी, या जो त्रिशंकु का जो आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है कि कर्नाटक में त्रिशंकु जो है विधानसभा बने। हालांकि अगर त्रिशंकु बनती है तो जेडीएस बड़ी भूमिका में आ जाएगी, क्योंकि अगर जिस पार्टी को वो समर्थन देगी सरकार उसी की बनेगी, फिर जेडीएस की पूरी मन के मुताबिक चीज़ें करने पड़ेंगी। अगर बीजेपी की सरकार बनी, अगर त्रिशंकु होता है, तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं पेशकश हो सकती है अगर जिससे भी गठबंधन। हालांकि अमित शाह इस चीज़ों में बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि आखिर करना क्या है। हालांकि चुनाव अभी होने दीजिए,
12 मई को, और 12 मई के बाद फिर 15 मई को आखिर पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ किसने। अब बीजेपी ने कांग्रेस का किला भेदने में सक्षम रही या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सक्षम रही, क्योंकि देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार है, अगर क्योंकि बीजेपी के अभी जो मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो स्टार प्रचारकों की अभी जो टीम है वो तो अभी गई नहीं है कर्नाटक। हालांकि अब जो चीज़ें होने वाली हैं वो धुआंधार रैलियां, धुआंधार कैंपेन होने वाला है, और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव का जो रुख है, चुनाव वोटरों का जो रुख है, वो साफ तौर पर निकल के आएगा कि आखिर कहाँ जा रही है सत्ता। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।